हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय नेम इज रुचिका असटकर और आई एम अ फूड ब्लॉगर, ट्रैवलर एंड कंटेंट क्रिएटर। आई क्रिएट कंटेंट फॉर ट्रैवल, फूड, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग। आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हो वैसे भी, बट जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। सो आज ना हम लोग आए हैं जरी पटका का बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत पॉपुलर प्लेस पे, जिसका नाम है शर्मा सैंडविच। मतलब जरी पटका में जो लोग रहते हैं उनको तो एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं पड़ता है, और नागपुर में भी जो लोग रहते हैं ना तो उन लोगों को भी ये प्लेस बहुत अच्छे से पता है। तो इन लोगों ने न्यू लॉन्च किया है वड़ा पाव। और क्या लॉन्च किया? वड़ा पाव किया है शायद, वड़ा पाव लॉन्च किया है। तो बहुत सारे टाइप के वड़ा पाव है यहाँ पे, आप देख सकते हो। मतलब ये पूरे टाइप के वड़ा पाव यहाँ पे है। तो हम लोग एक दो चीज़ें यहाँ की ट्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे टाइप के सैंडविचेस भी मिलते हैं जो मैंने ट्राई किया है, और वो भी बहुत टेस्टी होता है। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले ना हमारा बन रहा है महारानी वड़ा पाव। लेकिन वड़ा पाव के लिए सबसे पहले बनेंगे वड़े। तो सबसे पहले ये भैया ने वड़े तलने के लिए डाल दिए हैं, और इसे बहुत अच्छे से तला जा रहा है। और उसके बाद में ना ये जो इसकी मेकिंग है, इसकी मेकिंग इतनी ज़बरदस्त है कि आपको देख के ही ऐसे खाने की इच्छा हो जाएगी। तो सबसे पहले भैया ने ले लिया है वड़ा पाव का ब्रेड, उसके ऊपर मस्त ग्रीन चटनी लगा रहे हैं, और उसके ऊपर फिर बहुत सारी प्रोसेस है यार, अब आप खुद ही देख लो। चीज पे कौन सा चीज सॉस है ये? अच्छा, चीज सॉस, ये इसमें भी ये जो पीस बर्गर नहीं, वड़ा पाव है। तो ये हमारा महारानी वड़ा पाव आ गया है। तो इसके साथ का कंपेयर करने के लिए हमने सिंपल वड़ा पाव भी मंगाया। मतलब तुम लोग, मतलब आप लोग देख लो कि इसका डिफरेंस कितना है। ये है नॉर्मल वड़ा पाव जो सब लोग देते हैं, ठीक है। और इसको तो मैं हिला भी नहीं पाऊंगी, ऐसा इतना बड़ा है बर्गर, बट स्टिल। और ये है महारानी वड़ा पाव, तो इसको मैं ट्राई करने वाली हूँ अभी, देखते कैसे। नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है वीडियो का। अरे इट लुक्स क्यूट, टिश्यू पेपर पीछे है तेरे। ये सारी स्टुपिडिटी भी रिकॉर्ड करी, मतलब जस्ट इन केस यू वांट टू पुट अ बीटीएस यहाँ पे। महारानी वड़ा पाव ना एक बार ट्राई करना चाहिए। 55 ओनली। तो ये जो महारानी वड़ा पाव है ना, ये सिर्फ 55 रुपीज का। मतलब कैन यू इमेजिन, इतनी सारी सॉसेस और इतना सब, ये सिर्फ 55 रुपीज का है। आपको एक बार ट्राई तो बनता है। ये जरी पटका में है, आप गूगल पे लोकेशन डाल सकते हो, आपको मिल जाएगा।